विक्रम रावत सर मुझे आज ना देखो दिल के साथ सर मजबूरी बोलना पड़ रहा है, क्यों जरा इधर फोकस मारो, ठीक है। अगर मैंने सर नहीं बोला था फरीदाबाद जाने का, शौकीन भाई नहीं अपने, उनके पास गाड़ी छोड़ने का प्लान था बॉडी किट देने के लिए, बॉडी किट में काम करने के लिए बेसिकली, एंड अपने प्रोमैन नहीं है जो लिफ्ट किट और स्पेसर वगैरह वाला काम करते हैं, तो उनसे भी मीटिंग का प्लान था मेरा कि हाँ मतलब दोनों काम हुआ था साथ में, क्योंकि प्रोमैन का भी जो वर्कशॉप और ऑफिस तुमको जो बोलो वो फरीदाबाद में ही है, पर शौकीन भाई की वजह से यार प्लान अपना कैंसिल हो गया। शौकीन भाई पता नहीं कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली आ रखे हैं, तो कल होपफुली शौकीन भाई ने मुझे बोला है भाई 100% गारंटी है कल आप आ जाओ अपनी ओमनी लेके, एंड उनको डिजाइन मुझे पढ़ाना होगा, डिजाइन मतलब मुझे खुद देना होगा, डिजाइन के लिए तुम रेडी रहना। ये मान लो अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, ठीक है, एंड मैं 3-3:30 बजे तक इसी सीन को सोच के बैठा था कि चलो ठीक है शौकीन भाई अगर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, प्रोमैन से मिलेंगे आज और फिर गाड़ी वर्कशॉप पे दे जाएंगे शौकीन भाई के, पर नहीं हो पाया सीन जाने का ना, तो अभी हम क्या करेंगे चलो बाहर निकलते हैं फिर तुम दिखाता हूं बाहर का मौसम बहुत तगड़ा है। लो भाई तुम मौसम चेक कर लो, बोला ना क्रेजी मौसम, एंड आज हमारे घर के सामने तो टेंट लगा हुआ है, कुछ पार्टी वगैरह है, मम्मी को आज बुलाया है पार्टी फंक्शन है, तो मम्मी बड़ी खुश है कि हाँ चलो ठीक है गिफ्ट वगैरह पहले आई मम्मी रैप्ड गिफ्ट एंड पार्टी में जाएंगे बढ़िया, मैं तो नहीं जाऊंगा मुझे तो आता लेट आएगा, पर मम्मी खुशी देख रहा था मैं बढ़िया रहती है। बाकी ये रही अपनी ओमनी, एंड ओमनी के अंदर भाई हिमांशु भाई बैठा हुआ है, पहले तो हिमांशु भाई से पूछते हैं क्या सीन है। हिमांशु मेरा भाई, हिमांशु भाई मुझे बताओ कैसी लग रही है ओमनी, अलॉय डलवा ली भाई तुम तो आगे सीधा बैठ गए, कुछ बताओ रिएक्शन दो, सूट कर रहे हैं एलॉय, एलॉय उसके नक्के वगैरह एकदम अलग से कर रखे हैं, बाहर से काम कराने की जरूरत नहीं गाड़ी में, थोड़ा बहुत है अंदर से, अंदर से तो बहुत है, नहीं यार मेरे हिसाब से ना अंदर बाहर दोनों से ही है, पता है बाहर से डेंटिंग वगैरह होगी अंदर से तो प्रॉपर सोच रहा उसके पीछे अंदर से बेड लगाऊंगा पूरा बेड और आगे सीट पूरी चेंज करूंगा, हाँ भाई ओनी में चल रहे हैं आज। अरे रिएक्शन तो छोटी चीज है, अभी तो राइड करेंगे हम प्रॉपर। ये ना वो बंदे हैं जो वीडियो ऑफ होते ही रियल चीज बोलते हैं, मुझे मैंने वीडियो ऑफ करी बोलता हाँ बेड लगा ले, फिर बोलता माँ कसम भाई क्या मॉडिफाई होगी ये यार, भाई ये जो वीडियो बोलते मंच भाई तुम्हारा जेन्युइन क्या बोलना है इस गाड़ी को लेकर ये बताओ, क्या बोल रहे दोबारा बोलियो, मैं कह रहा यार पता है सही बताऊं ना इसमें बैठने में ना मजा तो आ रहा है, और अभी तुमने कहा था दिस इज क्रेजी, वो बोल दे एक बार दिस इज क्रेजी यार। लेकिन भाई पता है इसमें है ना साले पहले हम जाते थे पहले एक्सयूवी में, हां ओमनी में जा रहे भाई, इसकी ट्रिप अलग है, इसकी ट्रिप अलग है सही में, तुम समझ रहे हो ना यहाँ पे वो ट्रिप वाली बात हो रही है, इसकी ट्रिप मतलब इसका मजा अलग है, यू गाइस नो इट ना, यस देख लो भाई गुड़गांव की तरफ आ गया हूँ मैं, देख रहा हूँ भाई इतना ज्यादा जाम यार, इससे मैं तो द्वारका से निकाल लेता दास ही रहता यार, तो यार कुछ ज्यादा ही जाम हो रखा है, एंड ऐसी स्टीप मतलब ऐसी चढ़ाई में ओमनी को रोकना चढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट हुआ था यार, तुम जानते हो थोड़ा मामला भी इसका ओल्ड इज गोल्ड वाला है ना, अरे वाह भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एम्बुलेंस वाली रोड पे सामने दिखाओ मैं इस रोड पे यार अपनी ओमनी से आऊंगा, ये देखो बेशक मेरे घर के मैं द्वारका रहता हूँ, तुम लोगों को पता होगा जितने लोग नहीं पता द्वारका रहता हूँ मैं, द्वारका से बड़ा पास है एम्बुलेंस वैसे, ठीक है लेकिन इधर आके ना ऐसी फीलिंग आ रही, वैसे मैं गुड़गांव हूँ ना, गुड़गांव के इस वाले एरिया को बोलता हूँ छोटा दुबई, ठीक है छोटा दुबई में हम ओमनी लेके आए हैं, खुशी इतनी अलग है क्योंकि मैं हर बार एक्सयूवी चीजों से आया हूँ, ठीक है पर ओमनी की ना फीलिंग भी अलग है, और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है अंदर से कि मैं एक्चुअली 300 बैठा हूँ, पर आसपास वालों की नजर से मैं सोचूं ना तो देख लग रहा है कि हाँ अरे ये तो ओमनी में चल रहे बालक यार, ऊपर से हम लोग तो एलॉय मतलब प्रॉपर थोड़ा हल्का फुल्का मॉडिफाई भी है, तो फीलिंग गजब की तो है देखो यार नो डाउट, एंड छोटा तो मैं क्यों बोलता हूँ भाई सामने दिखा दो, ये बुर्ज खलीफा का बेटा है ये छोटा वाला, मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ देखो देखो सही है ना बेहतरीन यार, तुम्हें अगर मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पास अगर कोई भी मॉडिफाइड गाड़ी है ना गुड़गांव लाओ, ठीक है अभी नहीं लानी इस वक्त बहुत जाम होता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम रात में लेके आओ 9-10 बजे के बाद, गुड़गांव में गाड़ी चलाने का जो मजा है ना भाई ओए ओए ओए, और सोचो मैं तो ओमनी समझ ले रहा यार, तुम्हारे पास तो क्या तगड़ी तगड़ी मॉडिफाइड गाड़ियां भी होंगी है ना, पर अपन बोल देते ओमनी को भी ऐसा कर देंगे कि भाई बड़े बड़े मॉडिफाइड वाले बंदे भी देखेंगे कि हाँ बोलते बड़े बड़े कोटी बंगले वाले, तो मैंने बोला था ना पिछले ब्लॉग में सिर्फ वही डायलॉग यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है फॉग भाई क्रेजी, मैं इसलिए गुड़गांव वहां खुश होता, तुम देख लो मेरे जो सामने वहां पे जा रही है ह्यूंडई की आइकॉनिक 5 ना, ये लॉन्च तो चलो मैं देखा था ऑर्डर में इसका हुआ था मैटर, पर ये सड़क पे कैसे आ गई यार, ऊपर से टेम्पररी नंबर है भाई, एक तो दिक्कत ये है कि इसमें तुम देख लो 4th गियर ही है लास्ट, इससे ज़्यादा भाग नहीं सकती ओमनी, एंड स्पीडोमीटर भी इसका थोड़ा टेढ़ा सा ही है, तो अभी शायद 80-100 के आसपास चल रही होगी, बस बस पहुँच गए पास पहुँच गए, तुम्हें दिखाता हूँ मेरे सामने देखो ये है अपनी ह्यूंडई की आइकॉनिक 5 भाई क्रेजी इम्पोर्टेड गाड़ी है बाहर की, बहुत सही देख रहे हो लोग
मजेदार फीचर है यार, जरूर ले सकते हो तुम लोग, है ना। अगर डिलीवरी चालू हो गई है तो बुक कर सकते हो। आगे तुम लोग बताया तो ये अपनी ओमनी रही। यहाँ पे विक्रम रावत सर मुझे आज ना देखो दिल के साथ सर मजबूरी बोलना पड़ रहा है। क्यों, जरा इधर फोकस मारो, ठीक है। मुझे लग रहा है अगर मैंने सर नहीं बोला तो यहीं से ऐसे आ जाएगा बेटे। क्या बदतमीजी कर रहा है तू? सर बोलने की जरूरत है। गुड़गांव गैंग से बदतमीजी? भाई मैं गुड़गांव मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मुझे पहले बताओ विक्रम जी, आपके हिसाब से गाड़ी क्या काम मांगती है? भाई मेरे हिसाब से गाड़ी सारा ही काम मांगती है। जैसे पहले इंजन ओके, इसका इंजन ओके, चलाने में तो गाड़ी बहुत होगा। तो भाई जब मैं चलाऊंगा अभी तब बता दूंगा वो, फिर कमी निकली जाएगी, तुम समझ रहे हो। मुझे पता है। उसके बाद भाई ये सारी बिल्डिंग में ना सारे जादू पेच लगा रखे इस गाड़ी में ना। ये सीट जो है ना पहले चिपकी हुई थी पर मेरी टांग नहीं आ रही थी, इसको खुलवा दिया, पीछे बेड बना दूंगा। बेड वाला सीट होगी, ऊपर की रूफिंग होगी, मतलब प्लान ही कर रखा है। रूफिंग नहीं, ये पूरी गाड़ी नहीं बनेगी, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ। अच्छा भाई मिलो, इनकी नहीं देखी तुमने? आपकी इनकी भी देखना, विक्रम रावत, ठीक है। इसलिए बस 12 इंच अलॉय आ पाए, वरना मैं अपग्रेड इसके पीसीडी भाई 13-14 डाल देंगे। कन्वर्टर मांग रहा था वो पीसीडी कन्वर्टर, इसका कन्वर्टर होगा तो मैं बनवा दूंगा बढ़िया वाला, तो पता भी नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ना कल प्लान है शॉपिंग पे लेके जाऊंगा मैं, फ्रंट बम्पर रियर बम्पर फेंडर को थोड़ा सा ऐसे, और ब्रोमैन से बात करेगी मैंने लिफ्ट किट के लिए वैसा मामला। उसके बाद डेंटर पे दूंगा गाड़ी को डेंट करवा के। अब मुझे बताओ, मेरी कंफ्यूजन है, तुम लोगों के सामने रख भाई, इसकी बॉडी किसी से चेक करा ली वो आप बताओ पहले एक बार, इसको अच्छे से वॉश करा दे। सारी गली पड़ी है, इधर आओ, ये सारी गली पड़ी है ऐसे पट्टे कमानी, ये देखो पट्टे क्या हाल हो रहा है इसके, कमानी है इनको बोलते हैं, जो लीफ स्प्रिंग बोलते हैं इनको। क्या करवाना होगा इसमें? ये दोबारा सेट हो जाएंगे तो बढ़ जाते हैं तो मेरा खराब और खा नेडल जाएंगे। आप बताओ बॉडी किट के बाद फिर डेंटिंग, और डेंटिंग वाले बंदे मुझे कह रहे हैं, एक भाई कह रहे थे पेंट, आप बताओ डेंटिंग का पेंट या रैप? देखो ऐसा है, अगर आपको सेम पेंट रखना है आप ये रख सकते हो। अच्छा, नहीं तो गाड़ी को बिल्कुल पेंट के प्रोसेस तक पहुंचा के लास्ट, हाँ हाँ, अस्तर वस्तर तक लास्ट, बोलो फाइनल पेंट हो जाके फिर उसको ऊपर रैप लगा दो। अच्छा, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, गाड़ी भी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि जब आपके पास तो रहेगी ये लंबा फिर तो आप इसको ठीक से चलाएं। और एक और चीज बात हो आपको, ये देखो पीछे ना इधर लोहे का रोल गेज टाइप का नहीं होता कि एक्स्ट्रा एलॉय टायर लगा के यहाँ पे जस्ट लाइक था, वजन नहीं ले पाएंगे इससे, कब्जे बहुत होते हैं। देखो वो मानता हूँ कि इसमें दिक्कत आएगी लेकिन लुक बहुत बढ़िया नहीं जाएगा? देखो लुक बढ़िया हो जाएगा लेकिन इसमें मान सकता हूँ कब्जे इसके उठ नहीं पाएंगे भाई, एल्यूमिनियम वाले ही कहाँ से ले पाएंगे विदाउट कब्जों को चेंज करा देंगे, फिर हाइड्रोलिक लगा देंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप छेड़खानी कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम पोईएम के साथ ही खेल सकते हैं। अगर बंदा इसका चाहे तो बना सकता है, चित्र का सारा अंदर ना एक्स्ट्रा वो लेके चलना पड़ेगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को ना वो चाहिए, पता है मैं ना उसके लिए भाई हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, है ना, ना ना शब्दों में किसी में है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि देखो गुड़गांव वाले बंदे तो विक्रम जी से सलाह लेते ही है, दिल्ली वाले भी लेते हैं क्योंकि यार नॉलेज बोलती है ना, समझ रहे हो ना। हम बेशक कार रिव्यू कर रहे हैं पर सर को जितनी नॉलेज है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे लगता है किसी को इतनी नॉलेज होगी। और मैं पर्सनली आप कौन सा MG कॉमेट का रिव्यू चाह रहा हूँ, आपने बोला ना अभी वीडियो में कल आएगा। हाँ भाई बोलो, भाग रही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ 2009 मॉडल है पर चलाने में मजा है इसमें। भाई साहब गेम है, कैंटर में चलाते थे। मैं बताऊँ आपने ना चला रखी है, इसने आपको आइडिया है, मैंने मैं बैठ दे चला, कोई चला नहीं पाएगा इसको ऐसे। भाई साहब 120 पे हमारी गाड़ी, मीटर दिखाओ मीटर, 120 भाई साहब, गाड़ी तो 120 पे जब लगा देते हैं भाई। पर ये भाग रहे हो बहुत सही है ये गाड़ी, देख रहे हो ना। अच्छा गाड़ी पटे नहीं ली है, बताओ भाई गाड़ी तो देख चलने के हिसाब से तो भी सही है। हाँ कमानी पटे तो जब पता लगेगा लोड आएगा गाड़ी पे, अभी ब्रेकर से जब उतरेगी जब पता लगेगा, बाकी ब्रेकिंग भी ठीक है गाड़ी की, आगे डिस्क ब्रेक है पीछे ड्रम ब्रेक है। आधा रिव्यू दूंगा भाई, अभी पूरा रिव्यू अभी नहीं दे रहा, वो जब तैयार हो जाएगी तो प्रॉपर आएगा, प्रॉपर रिव्यू देंगे भाई। अगर भाई इसमें तूने कुछ खराब किया ना यार मेरे, और गंदे तरीके वाला छपरी वाला काम किया भाई, मैं बात करना बंद कर दूंगा भाई। देखो छपरी तो एक सोच है, हाँ ये हम इसको ऐसा मॉडिफाई करेंगे जो मासेस को अच्छी लगे, अपने लिए नहीं कर रहे हम, जो जनता के लिए, जनता को भी अच्छी लगे। जिसके पास लोकल के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है ना, 5 बंदे आराम से, बढ़िया इसमें एसी लगवाओ, बढ़िया इसके चौड़े टायर अलॉयज लगवाओ, रूफ वगैरह इसके अच्छे से करा के, सिटिंग इंटीरियर
और सारा एक्सटीरियर बढ़िया से बनवा के भाई साहब ये तो बहुत बड़ा गाड़ी बन सकती है। और देख लो भाई इसमें रूफ लाइट लगवाना स्टार लाइट। अच्छा स्टार लाइट वही आपकी वाली। अच्छा देखो मेरा वजन होगा भाई 100 से ऊपर, आपका वजन? मेरा भी 115 के आसपास मान लो, तो मेरा 120 है अगर आप प्रिसाइजली बता रहे हो। ठीक है देख लो हम दोनों का वेट आराम से झेल रहे हो तब भी भाग रही है गाड़ी भाई साहब 120 पे भाग रही है, मीटर खराब है उसका। देखो यार रात हो गई है बड़ी, हमने बातें बातें भी करी एंड पीछे तुम देख लो ओमनी भैया ने पार्क कर दिया यहाँ पे, निकल के दिखाओ निकलो औरत तेरी। सही है एंड बड़ी यहाँ पे पार्क हो गई है ठीक है, एंड हमें जो तो पूछा था भैया से सब पूछ लिया है। चलो यार फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं एंड भाई अंदर बहुत सारे अपने भाई लोग भी आ गए थे। जितने लोगों ने यार स्पीड डिमोन को फॉलो नहीं कर रखा, स्पीड डिमोन पेज है एक, तो उनका कल इवेंट है, मैं शवि भाई वगैरह का है, तो बढ़िया बातें बातें करी पर ऑफ कैमरा करी ठीक है, कैमरा उस उसमें ओपन नहीं किया, मैं चले यार कुछ बातें ऑफ कैमरा भी होनी चाहिए ना, तो बढ़िया बात हो गई है। एंड हिमांशु भाई थोड़ा सैड है, थोड़ा अलग अलग कटा हुआ था। हिमांशु भाई हो क्या गया, मतलब ये ऑडियो बताना नहीं बताना? नहीं कुछ नहीं। समझ जाओ एक इंसान एक लड़का कब सैड होता है क्या लगता है? नौकरी चली गई, नौकरी तेरी है ना? नौकरी है हा? दोस्त यार भी है साथ में, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या बच रहा है? आई थिंक तुम इनफ समझदार हो हा? जो बच रहा है वो नहीं रहा अब। ब्रेकअप हो गया क्या? अरे कुछ नहीं हुआ। चलो चलो गाड़ी निकालते हैं, फालतू बच्चों की नहीं, ढंग के व्लॉग्स क्यों नहीं बनाता यार मास्टर 2.0 है ना। 8:28 हो रहे हैं भाई, मेरे को वीडियो लाइव भी करनी है यार, थोड़ा लेट भी हो गया यहाँ पे। अरे भाई बहुत सही, मुझे लग रहा है मैं पहली बार है ना अपनी उंगली को इतना लंबा ट्रैवल पे लेके आया हूँ ठीक है। कल तो देखो अपने को फिर दवा जाना है जो कि अराउंड 30-35 किलोमीटर तो रहेगा, पर अपने घर से ना इधर तक का रास्ता भी यार अराउंड 28-30 किलोमीटर ही था ठीक है, और यहाँ से भी मतलब मेरे को 22 किलोमीटर दिखा रहा है। और देखो आएगा शीशा थोड़ा गंदा है, इसलिए मैं व्यू नहीं आ रहा होगा। लो बेहतरीन गुड़गांव यार, रात में तो भाई क्या सुंदर लगता है ओमनी में सफर करते हुए गुड़गांव के मजे भाई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी लूंगा ठीक है, ये ओमनी का जो प्लान है ना ये बड़ा झटपट में बना लेने का, एंड इसकी वजह से मतलब देखो एक अब देखो रास्ते सेम होते हैं ठीक है, रास्ते सेम है, गाड़ी भी सेम थी मेरे पास, पर रास्ते देखो चेंज हो सकते हैं नहीं ना, तो गाड़ी चेंज कर दी, रास्ते वही गाड़ी चेंज, मजा आ रहा है। लो भाई फाइनली पहुंच गए अपने एरिया में, बेहतरीन जाम अपने को मिला नहीं द्वारका जब से निकाल लिया बंदे, बढ़िया ना सही है। गुड़गांव द्वारका इसलिए मुझे बहुत सही लगता है यार, अपने लिए तो बहुत बेस्ट है गुड़गांव, जितना हो सके उतना गुड़गांव शूट हो मैं तो चाहता हूँ। और एक बार अगर इस छोटी का काम हो गया तो द्वारका से जो कनेक्टिविटी निकलेगी द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़ के सीधा बेहतरीन। आ जाओ भाई आ जाओ, हिमांशु भाई तेरा कैसा एक्सपीरियंस था भाई? भाई मैं तो कहता हूँ तू जहाँ से निकाला हूँ वैसा, कहाँ से जाम में फंसे थे हम लोग। और बाकी आज का दिन कैसा लगा ओमनी के साथ यार? देख इसका एक्सपीरियंस अलग है और बाकी गाड़ी का एक्सपीरियंस अलग है, बेसिकली डिस्टेंस क्लोजिंग अलग आ जाती है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, गाड़ी का दूसरी गाड़ी का स्ट्रक्चर अलग है। पर तेरे को मजा आया नहीं आया ये बता मुझे? मैं तो ये सोच रहा था मैं चलाऊंगा। अरे यार आज चला नहीं पाया शेट यार, कोई नहीं जल्दी चलाएगा तू, आगे मौके मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है ओमनी तो अपने पास ही है। और ओमनी में घूम के मजा आया फुल? अरे भाई अलग ही था यार, पहले दिन तो भाई मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत गलत था। मैं ये सोच रहा हूँ जब ये मॉडिफाई होके जब अपने पास आएगी ना, और जब अपने पास अभी तो ठीक है अभी कंडीशन ठीक नहीं है, जब मॉडिफाई होके जब कंडीशन अच्छी होगी गाड़ी की, जब बैकग्राउंड अच्छा होगा, अरे वाह भाई और मजा, और जब निकलेगी ना जब रोड पे। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी आज ठीक है, ये अपने मोंटी भाई घर है, इधर ना कैमरा भी लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार अपन जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं ना वहाँ पे सारा फुल है आता है ना, और अपने गली में मेन जो गली अपनी वो सामने वाली उधर ना फंक्शन हो रहा है आज, बाहर से गेस्ट वगैरह भी आ रखे हैं तो एकदम स्पेस नहीं है, इसलिए गाड़ी पीछे लगा दी मैंने। चलो और अपना घर सामने इधर ही है, और अपना स्काई भाई भी आ गया, स्काई आकाश तुम जानते हो मैं गाड़ी अपनी लगा इधर लगाता था, तो पूरा आज मैटर बिजी है एकदम। हाँ भाई स्काई क्या हाल चाल है? अरे वाह ना आज तो चल रहा है ना इधर फंक्शन, इधर फंक्शन दोनों गली का गाड़ी भी इधर ही रखा हुआ है। खा के आ गई फंक्शन में, मुझे ये बता खा गई था? मैंने तो वीडियो में कहा भी था कि मम्मी खुश है आज कि चलो फंक्शन में बुलाया है। क्या फायदा खाना बना के गई, नहीं खाना बनाओ तो समझ के क्यों खाना क्यों बनाई गई, तुम्हारे लिए बनाई हूँ, बाहर का कूड़ा कचरा मंगा लेता, कूड़ा कचरा यार टेस्टी वाला कूड़ा कचरा, तीन दिन से मंगा रहे तो बहाना चाहिए, टेस्टी मंगाई टेस्टी बनाई खाना तो मैं क्यों बाहर से मंगाऊंगा। एंड ये देखो भाई पग, चलो फाइनली वीडियो पे एंड करते हैं यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आज देख लो भाई मेरे रूम में कितना अंधेरा रहता है, रुको अपनी मेन लाइट जलाऊं मैं, यस फोन में लग जाएगा। पगू
अच्छा चलो आज पगू वीडियो एंड करेगा, ठीक है पगू वीडियो एंड कर देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब 30 मिनट्स गैंग डबल एमजू। बाकी तुमसे मिलते हैं कल वाले एपिसोड में। चलो खत्म करते हैं, तो यार मैं पगू बटर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे 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 मस्ती।